टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में जहां कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं वैक्सीन की कालाबाजारी भी तेजी से हो रही है। बाजार में एक रैकेट रेमडेसिविर इंजेक्शन की धड़ल्ले से कालाबाजारी कर रहा। महाराष्ट्र के ठाणे में इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए ठाणे क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 21 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। ये इंजेक्शन करीब 5 से 10 हज़ार रुपये में बेचा करते थे। ठाणे क्राइम ब्रांच को गुप्त जानकारी मिली थी कि कुछ लोग कोरोना की इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इंजेक्शन की भारी कमी है, ऊपर से इस तरह की कालाबाजारी करते हुए दो आरोपियों को ठाणे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ठाणे खंडनी विभाग के राजकुमार कोथमीरे ने क्या इस पर पूरी जानकारी दी है, सुनिए। कोई लोग इसका ब्लैक मार्केटिंग करके पैसा कमा रहे, ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे क्राइम ब्रांच को मिला था और हमारे सुपीरियर लोगों ने इनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। उसी मुताबिक हमने हमारे खंडनी विरोधी पदक को इंफॉर्मेशन मिली थी कि तीनाद नाका ठाणे यहाँ दो इसम ऐसा ही 5 से 10 हज़ार रुपये पर इंजेक्शन के हिसाब से ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन बेच रहे हैं ब्लैक मार्केट में। तो हमने वहाँ ट्रैप लगाया और दो आरोपी को हमने ताबे में लिया है। उनके पास एक के पास से 16 और एक के पास से 5 इंजेक्शन हमने बरामद किया है। ये इंजेक्शन कहाँ से लाए और किसको बेच रहे थे, क्या करने वाले थे, ये सब अभी तहकीकात चालू है।